हमको डांसर बनना है। डांसर बनना है हाँ। साड़ी लाल बहुत गंदा है और वो गंदा गंदा बहुत गाली गाता है। साड़ी लाल ना चाची के बाची गाता है इसीलिए गंदा बोल रही है हाँ। तेरी चमकने गुलाबी अच्छा, सरारा मान जाओ बेटी बेटी रहने दे बेटी रहने दे। डांस करने का किसी ने सिखाया? पापा जी सिखाए या मम्मी तुम्हारी? दोनों सिखाए हैं। तो जिसका उम्र 4 साल है इसका नाम आईजा है। हालांकि देखा जाए तो सोशल मीडिया पे धमाल मचा करके रखी हुई है लेकिन टैलेंट है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है कि मौज इसका उम्र 4 साल है लेकिन ये सब नाच गान में रील्स बना रही है, डांस कर रही है, क्यों? इसको तो पढ़ना चाहिए भाई। लेकिन इससे बात करेंगे आज। क्या नाम है तुम्हारा बताओ तो? आईजा। क्यों डांस कर रही है बोले बताओ? वायरल होने के लिए। वायरल होने के लिए? अरे तू तो वायरल हो गई है। वायरल हो गई है ना हाँ। तो फिर क्यों डांस कर रही है? तुमको अभी पढ़ना चाहिए। पढ़ाई लिखाई करती है कि नहीं? करती हूँ। किस क्लास में पढ़ती हो? वन क्लास में पढ़ती हो। तो अभी पढ़ाई लिखाई करो। अभी सब क्यों डांस कर रही है, नाच गानी सब काहे? अच्छा लगता है तुमको? लगता है अच्छा लगता है। आप पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं लगता है? लगता है। वो भी अच्छा लगता है? दोनों अच्छा लगता है। और तुम्हारे मम्मी पापा मतलब मना नहीं करते कि सब मत डांस करो सब कुछ? नहीं मना करते हाँ। बोलते कि और डांस। अच्छा डांस करने में रुचि है तुमको हाँ। हाँ, डांस करती है तुम्हारा? मैंने बहुत सारे रील्स देखा है तुम्हारा, रील्स वीडियो मैंने देखा है, तू डांस कर रही है। मैं बोलूंगा तो डांस करके दिखाएगी हाँ। एक डांस करके दिखा दो दिखा दो जरा दिखाओ 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 एक डांस करके दिखा दो। चलिए गाना बजाइए, थोड़ा डांस करेगी। वाह 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 वाह। डांस करने का किसी ने सिखाया? पापा जी सिखाए या मम्मी तुम्हारी? दोनों सिखाए हैं हाँ। मम्मी भी सिखाई है और अब्बा भी सिखाए हैं हाँ। हाँ। लेकिन हम अपने जब छोटे थे तो तभी मेरा अब्बा सिखाते, तब बड़े हुए तो अपने हम सीख रहे हैं। वाह वाह हाँ। यानी कि अपने आप तुम सीख ली हो हाँ। वाह। वायरल हो जाओगी, पैसा कमाओगी हाँ। क्या करोगी पैसा? गरीब लोग को देंगे अरे इतना यूनिक थॉट कहाँ से ला दी रही बेचारी? अरे इसका उम्र 4 साल है, इसका कहना है कि हम वायरल हो जाएंगे और पैसा कमाएंगे तो गरीब लोग को देंगे। तो गरीब लोग के पास पैसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? तो हम देंगे हाँ। अब मम्मी पापा को नहीं देगी? देंगे दोनों को, मेरे अब्बा को और मेरी मम्मी को हाँ। गरीब लोग को भी देगी पैसा हाँ। दान करेगी हाँ। अच्छा जरा देख सकते हैं, इसका उम्र जो है 4 साल ही है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम भोजपुरी में पवन सिंह को, खेसारी लाल यादव को, नीलकमल सिंह को, ये सब को जानती हो? पवन सिंह कैसा है? अच्छा। आ खेसारी लाल यादव कैसा है? गंदा। अरे वाह, क्यों गंदा बोल रही है तू? खेसारी लाल ना चाची के बाची गाता है इसलिए गंदा बोल रही है हाँ। खेसारी लाल बहुत गंदा है और वो गंदा गंदा बहुत गाली गाता है हाँ। गंदा पवन सिंह नहीं गाते हैं? नहीं, वो सही गाते हैं हाँ। खेसारी लाल गंदा गीत गाते हैं हाँ। हाँ। और ना वो नहीं है, और क्या था, कौन था? नीलकमल सिंह हाँ। नीलकमल सिंह बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा गाना। यानी कि तुम्हारे नजर में पवन सिंह भी अच्छा है, नीलकमल सिंह भी अच्छा है, लेकिन खेसारी लाल तो गंदा है हाँ। ऐसा तुम बोल रही है? खेसारी लाल तो गंदा है हाँ। ऐसा ऐसा नहीं ना बोला जाता है बाबू। नहीं वो गंदा है हाँ, गंदा है हाँ। अच्छा ये बताओ कैसा कैसा गाना पे तुम रील्स बनाती है? पवन सिंह में और में नीलकमल सिंह हाँ। मिष्टी नाम की एक लड़की थी जिसने 4 साल की उम्र में ही वायरल हो गई थी, सेम टू सेम भी आईजा जो है 4 साल की उम्र में जो है सोशल मीडिया पे धमाल मचा करके रखी हुई है रील्स बना करके। मिष्टी को देखी है ना, तो मिष्टी की जैसे तुम भी वायरल हो गई है लगता है ना। नीलकमल सिंह के गाने पे तुम वायरल हुई है हाँ। नीलकमल सिंह जी तुमसे मिलेंगे हाँ। तो क्या कहना चाहोगे नीलकमल सिंह को? नीलकमल सिंह को बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, हमको वायरल कर दीजिए, हमको ना उसमें लिया दीजिए किसमें हाँ। डांसर में हाँ। डांस करना है हाँ। एक्ट्रेस बनना है, भोजपुरी में जाना है, स्टेज नहीं बनना, हमको डांसर बनना है। डांसर बनना है हाँ। वाह डांसर बनना है हाँ। अच्छा अच्छा गीत भी गाती हो हाँ? गीत गाती हो? नहीं गाती हो? गाते गाते ही तो गाओ एक।
कोई गीत गाओ। तेरी चमकने गुलाबी अच्छा, सरारा मान जाओ अर्चुंडी बेटे बेटे रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो बेटे रहने दो तुम कुछ तू पारी बैठो माँ छिछमा पहलम बच के है तुम माँ ताली गगरा में चूड़ी छनहरा ताली गगरा में चूड़ी छनहरा रहने दो रहने दो रहने दो। इसके अंदर टैलेंट है डांस भी करने का, हालांकि देख सकते हैं ये मतलब गाना भी गाती है, रील्स अच्छा बनाती है, डांस भी करती है। लेकिन एक चीज बोल रही है कि नीलकमल सिंह जी तो अच्छे हैं, आप पवन सिंह जी भी अच्छे हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव गंदा गंदा। चलिए इस तरीके से इसका कहानी है। बाकी आप लोग मौज चार साल की बच्ची के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जरूर अपना राय। मैं दिल में है कि हम ना पवन सिंह पास जाओ और वीडियो बनाओ और बहुत वायरल हूँ और बहुत वायरल रहेंगे तो हम पैसे कमाएंगे। वाह, सोचता है बच्चिया का, सोच है कि मैं भी जाऊँ और मैं भी हम ना टीवी में जाने वाले हैं और सब लोग हमको देखेगा ना तो हम बहुत वायरल होंगे। वाह, चलिए बाकी आप लोग क्या सोचते हैं आयजा के बारे में, चार साल ये बच्ची आयजा, इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मेरा इंतजार रहेगा।